मॉर्निंग एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। नेम द रिक्वायर्ड एंगल्स फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर्स। ये हमें जो फिगर दिया है, यहाँ हमें उनके क्या करना है, नेम बताना। ऑल पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमें क्या है इसके जो हमें पेयर के नाम बताना है किसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखेंगे यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, कैसा बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो, आपको पता है कि टू लाइन होती हैं और उनको एक इंटरसेक्ट जो करती है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब यहाँ आपको पता है एक बनता है इंटीरियर के दोनों इस, ये है जिस टाइप से हमारी ये एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज दैट पी, ये क्यू, ये है M और ये हमने नेम दे दिया इसको M। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें जो इंटीरियर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, एक बनता है क्या होता है जो ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों साइड बनता है। ठीक है, एक बनेगा इस साइड तो एक बनेगा इधर, तो ये दोनों है तो अंदर ही ना, अंदर ही बन रहे ना इनके, लेकिन कैसे बनेंगे, क्या है, एक बनेगा क्या दोनों इसकी क्या है अपोजिट साइड बनता है। ये ए बनेगा इधर तो ये इस साइड बनेगा। ठीक है ना, तो आगे आपको समझ में, तो इस टाइप से आपको बताना है यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो बेटा यहाँ कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल क्या बनेगा इधर, क्यू एम और ए एन बनाना है, क्यू ये एम और एन। तो हम इधर राइट कर देंगे एंगल क्यू एम एन। ठीक है, अब बताना है एक और एंड, अब कौन सा बनेगा इधर, ये कहाँ गया, ये एम एन आर, ये इधर बनेगा ना, ये इधर बनेगा, इधर बनाना ये एम एन ये आर। आगे समझ में आपको, तो ये बन गया एंगल एम एन और ये आर। ठीक है, दोनों अलग अलग साइड बन, अब आपको बताना है ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पता है कैसा बनता है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है ट्रांसवर्सल की एक ही साइड बनता है, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एग्जिक्टिव। ठीक है, यहाँ हम बताएंगे कौन सा, एक बन रहा है आपका ए एम और ए क्यू, ये हो गया बाहर की ओर एंगल ए एम क्यू। अब आप इसका पेयर बताइए कौन सा होगा, इसका होगा एंड देखिए कौन सा बनेगा इधर आपका पी, ये भी बनेगा ना पी एम एन, ये साइड भी बनेगा, तो एंगल पी एम एन और एक एंगल बनेगा आपका इधर, बनेगा एक आपका एंगल एम एम एन एस, एक इधर, ये हो गया एंगल एम एन एस। ठीक है, आगे समझ में, अब आएंगे हम करस्पॉन्डिंग। तो आपको हमने करस्पॉन्डिंग बता ही दिया है कि कैसा बनता है, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर बनता है, एक बनता है एग्जिक्टियर और एक बनता है इंटीरियर, तो इन दोनों का जो पेयर होता है वो हम बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बन गया अपना ए एम क्यू, ये ए ए एम और ये क्यू, ये हो गया। अब इसकी अब आपको बताना है इसका अपोजिट, सॉरी एक इंटीरियर और एक एग्जिक्टियर। तो इसमें एग्जिक्टियर कौन सा बनेगा, एक बनेगा आपका एम एन एस, ये हो गया इंटीरियर एंगल एम एन एस, इधर इंटीरियर एग्जिक्टियर, ये बन गया इंटीरियर। ठीक है, अब हम आएंगे एक और बनेगा यहाँ पर, कौन सा बनना है देखेंगे हम, यहाँ देखो क्यू एम एन, ये अंदर की ओर बन रहा है ना, क्यू एम और एन एंगल क्यू एम और एन। इसका देखेंगे बाहर की ओर कौन सा बन रहा है, एस एन बी, ये बन रहा एंगल, इसका पेयर आएगा एंगल
एस एन बी, ठीक है। यहाँ और भी बन रहे हैं, इधर आपको अब दो आपको बनाना है, एक यहाँ से बनेगा और यहाँ से, जितने पॉसिबल हो आगे आप बना के देखिएगा, ठीक है। मैं आपको टू मतलब एक बता रही हूँ कौन सा बनेगा, आपको बताना है कि यहाँ और कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, ये आपको करना है। एग्जिक्टियर एंगल, एग्जिक्टियर एंगल इसमें बताना है ये कहाँ बनेंगे, तो एक है आपका एंगल ए एम क्यू, ये एग्जिक्टियर एंगल है ना, ये बन गया आपका एंगल ए एम क्यू, ठीक है। इससे इसका करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपको इसमें एग्जिक्टियर एंगल बताना है, कॉमन है, एक बन रहा है ए एम क्यू और एक इसका पेयर कौन सा होगा, एक कहाँ बन रहा है एंगल एंगल एम एन सॉरी एंगल ए एम पी, ठीक है। इसी जो आपकी ट्रांसवर्सल साइड पर नहीं बनता, जो एग्जिक्टियर एंगल होता है वो ट्रांसवर्सल साइड की दोनों साइड, जैसे ये है इधर ये ट्रांसवर्सल है, तो ए एम क्यू और ए एम पी, एंगल ए एम पी, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। अब ये आप बताओगे कि कहाँ बनेगा ये, ठीक है, वो आप बता दोगे, ठीक है। एक यहाँ इस वाली लाइन पर बनेगा, ऑल पेयर ऑफ अल्टरनेट एग्जिक्टियर एंगल्स, तो अल्टरनेट एग्जिक्टियर, अभी आपने इंटीरियर बताए थे, अब आपको बताना है एग्जिक्टियर एंगल, तो देखेंगे हम यहाँ ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू, ठीक है, एंड एंगल आर एन वी, देखो एक इधर और एक इधर, ये बाहर बताना, जो एग्जिट एग्जिटियर एंगल होते हैं वो बाहर की ओर बनते हैं, एंगल ए एम क्यू, एंगल आर एन बी, और बाकी आप बताओगे कहाँ कहाँ बनना, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और ये जो चारों है हमने आपको डेफिनेशन में भी आपको इधर एक्सप्लेन की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बेटा तो वो वीडियो आप देखें, फिर उसके बाद आप 10.2 करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएंगे। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, इन द फॉलोइंग फिगर्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच लिटरेट एंगल, ठीक है। यहाँ हमें पैरेलल लाइन दी है और एक जो लाइन दी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करना है, जैसे हमें एक्स की वैल्यू बताना है और वाई की वैल्यू। यहाँ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, बी और सी आपको करना है, देखिए किस टाइप से करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आप स्केल की हेल्प से इस टाइप से ये बना लेंगे, ये दिया है आपको 55 डिग्री, ये दिया है x, ये दिया है आपको y, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं, हमें यहाँ x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सिंस पहले तो आप इनको कुछ नेम दे दीजिए, जैसे हमने इसको नेम दे दिया आपको, यहाँ हम एक एंगल फाइंड करेंगे, यहाँ भी एक एंगल बनेगा जिसको हमने नेम दे दिया 1, और ये जो एंगल 55 है ये हो गया 2, इस टाइप से हमने इसको नेम दे दी, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगी, क्या, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इक्वल। तो ये देखो आप, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 55 डिग्री और ये एंगल, ये जो इधर इस टाइप से एंगल बनते हैं वो वर्टिकली एंगल रहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहते हैं, जो कि कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से हमारी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आपको पता है एक्स इक्वल एंगल टू, एक्स किसके इक्वल है, एंगल टू के, यही है ना। तो यहां हम ब्रैकेट में राइट कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो अगर एंगल एक्स की वैल्यू, तो अगर एंगल ये एंगल टू 55 डिग्री है तो एंगल एक्स भी क्या, तो यहां से आपका आ जाएगा एंगल 55 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55 डिग्री, तो ये आपका ये फाइंड आउट हो गया ना, तो एक्स मतलब इधर का। अब आपको एक चीज पता होगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। यहां मैंने आपको
प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए आप कहाँ बन रहा है, एक होता है इसमें इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल का जो पेयर होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गया एंगल वन और ये एंगल टू, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो ये क्या होंगे, हम राइट करेंगे सिंस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन और टू भी इक्वल होंगे, ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल वन, अगर एंगल टू 55 डिग्री है तो एंगल वन भी कितना होगा 55 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो आपका ये भी क्या आ गया 55 डिग्री आ गया, है ना। अब आपको इधर से किसकी वैल्यू चाहिए, आपको बाई की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए है आपको, बाई की वैल्यू चाहिए। तो अब आप देखो, आप ये जो इधर बन रहा है ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, वर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। तो यहाँ इन जो ट्रांसवर्सल लाइन पर जो एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं, जैसे ये बना एक, एक बना एक इधर, तो उन दोनों का जो सम होता है, जो लीनियर पेयर पर जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ देखिए ऑल्सो यहाँ क्या बन रहा है, एंगल वन प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल वन की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ से कितनी है 55 डिग्री, और यहाँ एंगल वाई की वैल्यू आपको पता नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन लगा देंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे, एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आएगी 125 डिग्री। आगे आपको समझ में, यहाँ हमें एक्स की और वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि ये जो एक्स और वाई थे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, है ना, ध्यान दीजिएगा आप, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको यहाँ दिख रहे थे करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बन रहा था बाहर एक, ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं और आपको किस किस की वैल्यू दी है, आपको बाय की निकालना था। ये एंगल 55 डिग्री है, अब ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। अब यहाँ से आपकी एंगल वन की वैल्यू आ गई। अब आपने देखा कि ये वाई बन रहा है, ये क्या है लीनियर पेयर है, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, इस टाइप से एक बन रहा था इधर और एक बन रहा था इधर, तो आपको पता है ये क्या है लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ आप राइट कर देना ब्रैकेट में लीनियर पेयर, ठीक। तो यहाँ जो दो एंगल बनेंगे उनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू तो पता थी लेकिन एक की नहीं थी, तो यहाँ कितना आ गया 180, इन दोनों का सम आ गया 180। यहाँ से फिर हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ठीक है बेटा, इसको करिएगा। अगर आपने डेफिनेशन वाला वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम बेटा सेकेंड पर, तो देखिए आप सेकेंड क्वेश्चन आप किस टाइप से करोगे। देखो आप यहाँ से ये क्या है एंगल एक्स, ये एंगल क्या है 130। अब आप ये यहाँ ध्यान से देखिए, ये लीनियर पेयर दिख रहा ना आपको, आपको आपने यहाँ पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन इक्वल है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये लीनियर पेयर है, तो अब आपको पता है लीनियर पेयर पर जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है 180 का। तो एंगल एक्स ये क्या है, यहाँ हमें दिया है 132 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसको इधर ले आना, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है ना, तो आपको पता है, अब देखेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बना, ये है एक्स इंटीरियर, ये है वाई एक्सटीरियर। तो आपको पता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं इक्वल, अगर ये जो वैल्यू आएगी आपकी वाई की, सपोज दैट कुछ भी आया, तो ये जो एक्स की वैल्यू रहेगी वही आपकी वाई की रहेगी, ठीक है। अब आप कहाँ क्या लगाओगे, यहाँ लग जाएगा ट्रांस वो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, करस्पॉन्डिंग एंगल का जो आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होंगे। तो ये 132 है तो ये भी होगा 132 का,
ठीक है, स्टेप से आप कर लोगे। नंबर सी आप करिएगा, ठीक है, आपसे जो नहीं बनेगा पहले आप देखोगे कि यहाँ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं और कौन कौन से एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। आप सी भी करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आपको बता दें, लेकिन आपको कोशिश करनी है। आप जब समझोगे, जब आप हमारे वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप सी आप करके देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या करना है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट कर रही हूँ, बी आप करिएगा। तो देखिए आप इसको ड्रॉ आप कर लेना, फर्स्ट देखिएगा ये क्या है, आपको को इंटीरियर एंगल्स यहाँ क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक इधर तो एक इधर बन रहा है। तो इन दोनों का जो सम होता है बेटा वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखेंगे हम इसको, हम एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हम यहाँ राइट कर देंगे, को इंटीरियर एंगल। तो जब आप इनका सम करो 4x आएगा, ये 180 डिग्री, अब यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो 180 अपॉन 4, 4 4 बन जा 4, 4 ये 4 4 जा 16, ये 2 ये 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ठीक है, यहां से x की वैल्यू, ये भी आपको ऐसे ही करना है को, ठीक है, जिस टाइप से आपने क्वेश्चन ए किया है, ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, इन एडजॉइनिंग फिगर डी पैरेलल टू ए बी, डी ई किसके एक पैरेलल है, ए बी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, यहाँ हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो पहले हमें जो दिया रहता है हम वो राइट करते हैं, सिंस क्या दिया है हमें, एंगल ए बी पैरेलल, क्या दिया है हमें, डी, ठीक है, या डी पैरेलल टू ए बी। अब एंड और हमें क्या दिया है, जो ई ए है या ए ई है वो क्या है, यहां ट्रांसवर्सल, एंड ए इज अ ट्रांस, ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब देखो आप यहां, अब हम यहां देखेंगे एंगल, एंगल सी, हमें यहां से वैल्यू किस किस की फाइंड करना है, एंगल ए और बी की, ठीक है। तो अब हम यहां देखेंगे एंगल सी ए बी, ठीक है, एंगल कौन सा, सी ए बी किसके इक्वल होगा, जो सी ए बी एंगल होगा ये इक्वल एंगल डी ई सी होगा ना, ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, दोनों अंदर ही बन रहा है ना, सी ए बी। तो हम राइट कर लेंगे एंगल एंगल सी ए बी इक्वल एंगल सी ए डी, सी क्या है ई, और सॉरी हम यहां से राइट करेंगे एंगल डी ई, एंगल डी ई सी। तो यहां हम ब्रैकेट में राइट कर देंगे, ये कौन से एंगल हैं, एंगल है ये एंगल क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर एंगल सी ए बी, अगर एंगल सी सी ए बी, अगर एंगल किसके इक्वल है, डी ई सी,
DEC की। अगर E कितने हैं, 55 डिग्री है, तो AB कितना होगा, 55 डिग्री होगा, है ना, सॉरी B, हाँ ये जो इधर बन रहा है B, तो ये क्या होगा, तो और करके हम राइट कर सकते हैं V इज इक्वल टू 55 डिग्री। अगर ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों कैसे होते इक्वल, तो ये भी 55 डिग्री होगा। अब ये देखो आप, ये भी यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये जो 40 का है, तो इधर भी। अब इसको नेम राइट करना है, यहाँ तो आपकी ई ट्रांसवर्सल थी, अब आपको इधर कौन सी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, जो डी और बी हो जाएगी। तो अब आप यहां करके राइट करेंगे, सिंस ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल है किसके, डी के, एंड यहां ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी, बी डी, ये जो बी डी है, एंड बी डी इज अ ट्रांस दर्शन, ठीक है। तो अब देखेंगे हम एंगल बनाएंगे यहां पर, एंगल ई डी सी, देयर फोर एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इक्वल होगा, एंगल होगा सी बी ए के, सी बी ए, तो यहाँ डी कितना बन रहा, 40 डिग्री, तो इधर भी कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा किसके, एंगल ए के, तो यहाँ या फिर और करके ए इक्वल सॉरी 40 डिग्री, ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ दोनों एंगल फाइंड आउट होगा ना, ए और बी, यहाँ बी आ गया 55 डिग्री, ए आ गया 40 डिग्री, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5th पर, इन अ एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट एओ पैरेलल टू सीडी, एओ किसके पैरेलल है, सीडी के, ये दिया है इधर और ये इधर, और इन्होंने ये बोला है ओबी पैरेलल टू सी, जो ओबी है कहाँ गया, ओबी और तो ये सी पैरेलल है, ठीक है। अब इन्होंने दिया है एंगल एओबी कितना है, 50 डिग्री, एंगल एओबी 50 डिग्री है, तो उन्होंने कहा है एंगल ईसीडी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ईसीडी की, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपको दिया है पहले आप वो राइट कर लीजिए, जैसे एंगल 5th, ये क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th, सिंस एओ पैरेलल टू क्या सीडी, क्या दिया है, एओ पैरेलल टू सीडी, एंड यहाँ ट्रांसवर्सल को क्या है, क्या होगा यहाँ ट्रांसवर्सल, ओबी, क्या होगा ओबी, इसको यही देखो, ये है इधर इस टाइप से, और इसको ये इधर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ होगी यहाँ ओबी, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ओ बी हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, तो अब हम देयर फोर राइट करेंगे, तो अब देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, एंगल ए क्या बन रहा है यहाँ, एंगल एंगल सी डी बी, सी डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी, यहां आप ब्रैकेट में राइट कर देना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो यहां आपको ए ओ बी दिया है, तो ये किसके, जो सी डी बी होगा वो भी कितने का होगा, 50 डिग्री का, तो हमने राइट कर दिया एंगल सी डी बी इक्वल, ये हो गया 50 डिग्री, एक वैल्यू आ गई आपकी सी डी बी, लेकिन हमसे पूछा क्या है ई सी डी, अब देखो क्या आ गया हमारा सी डी बी, सी डी बी कितना आया हमने, ये 55, अब हमसे पूछा क्या है ई सी डी, ई सी डी ये पूछा है, तो अब आपको अब हम यहाँ राइट करेंगे,
अब देखो ये दोनों क्या कौन से एंगल बन गए, को इंटीरियर एंगल। और जो को इंटीरियर एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही हम लाइन राइट करेंगे, एंगल ओ बी पैरेलल, यहाँ ओ बी पैरेलल हो जाएगी, कहाँ गया ओ बी, ओ बी पैरेलल किसके है, सी के। एंड जो सी डी है वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड सी डी इज अ ट्रांस, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कैसे हैं देखो, एंगल ई सी डी प्लस एक को इंटीरियर एंगल है ना, तो एंगल एंगल ई सी डी, एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से हमें यही वैल्यू चाहिए है, ई सी डी प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री, ये 180। यहाँ से हमारी एंगल ई सी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितना आएगा 130, आ गई ना। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6th to 11th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। अगर आपको कोई भी यहाँ तक डाउट हो, ठीक है, तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।